हेलो फ्रेंड्स, मैं सरला आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सरला क्लासेस में। इस चैनल में मैं आज आपको आई केयर के बारे में बताने वाली हूँ कि आई केयर क्या है और आई केयर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आई जो है हमारे शरीर का मुख्य भाग है और इसकी हाइजीन में हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या सिर्फ जब हम बाथ या का प्रोसीजर करते रहते हैं या फिर जब हम नहाते रहते हैं उसी समय हम इस समय इस पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। लेकिन और स्पेशल जो कंडीशन है, अगर आँख में कुछ चला गया है या फिर आँखों में कुछ प्रॉब्लम है उस समय या उसके पहले हम उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आज मैं आपको आई केयर प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आप अपनी आँखों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख सकें। पहले कि अगर हम आई केयर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का फॉलो करना है या और जो पेशेंट का डायग्नोसिस है उसको आपको देखना है कि पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, देन डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब किया है उस स्पेसिफिक पेशेंट के लिए उसको आपको फॉलो करना है। देन आपके पास जितने भी आई केयर के आर्टिकल्स अवेलेबल हैं या नहीं है उनको भी आपको पहले से अरेंज करके रखना है। पहले आपको देखना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उन चीजों को पहले मंगा लीजिए, उसके बाद देन आप पेशेंट का आई केयर करें। तो पेशेंट के आई केयर के लिए आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक आपको चाहिए मैकिनटॉस जो हूँ, साथ साथ उसके साथ आपको टॉवेल चाहिए एक, या फिर अगर आपके पास टॉवेल नहीं है तो आप वाइप का भी यूज कर सकते हैं, वाइप आता है मार्केट में अवेलेबल है, या फिर स्टराइल वाटर आप यूज कर सकते हैं। आपको कॉटन बॉल्स लगेंगे, कॉटन बॉल्स आपको बनाना आता ही होगा आई केयर के लिए, तो ये सारी चीजें आपको लगेंगी। एक किडनी ट्रे भी लगेगा, अगर क्योंकि आप क्या करेंगे जितने भी वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं या आ रहे हैं आप उसको किडनी ट्रे में डाल देंगे बाद। नेक्स्ट आपको प्रिपेयर करना है क्लाइंट को और यूनिट को। यूनिट क्लाइंट यूनिट में आएगा आपका हैंड वॉश या फिर सभी जो चीजें आवश्यक चीजें आपको प्रोसीजर करने के लिए करनी होगी, या फिर आपका जो आर्टिकल है आपको अरेंज करना है बेड साइड टेबल पे, ठीक है। तो हम क्लाइंट को एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर की, प्रोसीजर क्या है कि हम आपकी आंखों का आंखों को साफ करने वाले हैं, इस तरीके से हम साफ करेंगे और आपको उसमें सहयोग देना है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा कि आप एक्सप्लेन करने के बाद पेशेंट को उसका नाम पूछें कि आप एग्जैक्ट पेशेंट को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप उसको बताएं, उसके सारे डाउट आपको क्लियर करने हैं। अगर पेशेंट आपको कोई भी चीज पूछता है कि क्यों मेरी आंखों का स्पेशली आप आई केयर कर रहे हैं, वैसे ये डेली रूटीन में शामिल है लेकिन पेशेंट आपको ये क्वेश्चन भी कर सकता है। सेकेंड है आपका एडजस्ट द बेड, यहाँ पर मैं आपको चेयर पे करके दिखा रही हूँ क्योंकि अभी ये मैं पेशेंट यूनिट या फिर हॉस्पिटल में नहीं हूँ, तो मैं आपको चेयर पे करके दिखा रही हूँ कि क्योंकि पेशेंट क्या है उसके लिए रेडी है, या फिर हमने जब जनरल इंस्ट्रक्शन फॉलो किया या जनरल कंडीशन पेशेंट का देखा तो वो एबल था बैठने के लिए, इसलिए मैंने चेयर पे ये प्रोसीजर किया है। अगर आप बेड पे प्रोसीजर करेंगे तो आपको मैकिनटॉस की जरूरत पड़ेगी ताकि बेड गीला ना हो और पेशेंट का भी आप ध्यान रख सके, ताकि उसके में बाद में प्रेशर सोर ज्यादा ना बढ़े या ना हो पेशेंट के में। पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करें, आप कंफर्टेबल हैं जी, तो आप पेशेंट से पूछें कि उनको कैसे कंफर्टेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर आपको पिलो हटाना है तो आप पिलो भी हटा सकते हैं, अगर आप बेड पे दे रहे हैं आई केयर तो आप पेशेंट को फ्लैट ही रखें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले अपने हैंड को वॉश कर लीजिए, मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया है पहले से, आप ग्लव्स पहन लीजिए, ग्लव्स पहनने के बाद आप प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। आंख बंद कीजिए, थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में जाइए। ओके, मैं पहले टॉवेल जो है वो रख रही हूँ ताकि जिस आई पर अगर हम प्रोसीजर कर रहे हैं उनका जो क्लोथ है वो गीला ना हो। देन आपने नॉर्मल सेलाइन या फिर स्टराइल वाटर लिया होगा और आपने पहले से कॉटन बॉल्स बनाकर रखे होंगे। कॉटन बॉल्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये आई केयर के लिए आपको इस तरीके का कॉटन बॉल लगेगा, आप देख रहे होंगे जैसे हम बाती बनाते हैं
फूल बाती जिसको कहा जाता है, उस तरीके का आपको कॉटन बाल लगेगा। क्योंकि हम क्या करेंगे इसमें, इनर टू आउटर कैंथस हम क्लीन करेंगे जो पेशेंट का आई है उसको। तो हम कॉटन बॉल को अपने नॉर्मल से स्टराइल वाटर में रख देते हैं। मैंने स्टराइल वाटर यूज किया है, तो स्टराइल वाटर में इसको गीला होने के लिए रख दे। तो कॉटन बॉल्स मैंने इसको डिप कर दिया था स्टराइल वाटर में। अब हम इसका यूज करते हैं इनर टू आउटर कैंथस। तो इनर कैंथस से आउटर कैंथस, देन इसको आपको फेंक देना है। फिर से अगर आप इसी आंख को साफ करना चाहते हैं तो फिर से नेक्स्ट आपका कॉटन बॉल लेना है और उसको फिर से क्लीन करना है इनर टू आउटर कैंथस। ओके, एक सबसे जरूरी चीज, अगर कभी ये होता है कि कुछ चीजें हैं जो वो सूख कर आंख के पलकों में चिपक जाती है, ठीक है, तो उसको साफ करने के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम में भी कोई इन्फेक्शन है पेशेंट के में या फिर वो निकल नहीं रहा है, कुछ चीजें सूख गई हैं आंख में, आंख का ही जो आपका पानी है वो सूख जाता है तो वो चिपक जाता है पलकों में, तो उसको भी आप चिपका करके रख सकते हैं यहाँ पर कॉटन बॉल्स को, ताकि वो निकल जाए। फिर उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद वो चीजें सूख गई होंगी जो चिपकी हुई थी पलकों से, उसको वाइप कर लीजिए अच्छे से। आपको अलग अलग कॉटन बॉल्स का यूज करना है, एक ही कॉटन बॉल्स का यूज नहीं करना है। देन ये प्रोसीज करने के बाद आप एक टॉवेल लीजिए, उस टॉवेल से आंखों को पोंछ लीजिए। और साथ ही साथ एक वाइपर की मदद से आप पूरे फेस को भी क्लीन कीजिए। आई केयर का प्रोसीजर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, अगर आपको पेशेंट का आई केयर करना है, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। देन आप अपना ग्लव्स रिमूव कर कीजिए और उसको डस्टबिन में डाल दीजिए, और आपके जो आपने आर्टिकल्स लिए थे वो सब हटा दीजिए। पेशेंट का मैकिंटोश हटा दीजिए, पेशेंट अगर बेड रेस्ट करने के लिए बोलता है ऊंचा उठाने के लिए तो वो कर दीजिए। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद अगर वो पिलो की डिमांड करता है तो आप उसको पिलो भी प्रोवाइड करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेडिकल और नर्सिंग से जुड़ी और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।